हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पापियास मेकअप रूम। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे हो और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज के वीडियो में मैं ये लुक क्रिएट करने वाली हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं इस लुक को साड़ी के साथ कंप्लीट किया है, बट आप लोग कोई भी ऑरेंज कलर का और कोई भी ऐसे कलर का गाउन हो, कोई भी ड्रेस हो, उसके साथ ये लुक आप कर सकते हो। तो ये लुक गर्मियों के लिए भी बहुत सूटेबल है, क्योंकि गर्मियों में अक्सर हम लोग बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है हमें, और आप देख ही सकते हो मुझे भी अभी स्वेटिंग हो रही है। बट ये स्वेटिंग से आपकी ये जो मेकअप है ये ख़राब नहीं होने वाली है। तो ये बहुत ही ध्यान से आप पूरी मेकअप को देखो, और उस तरह से ही आप लोग अगर अप्लाई करोगे तो आपकी मेकअप भी ख़राब नहीं होगी। मैं बहुत ही रीज़नेबल और अफोर्डेबल प्रोडक्ट में यूज़ करूँगी इस वीडियो में, तो आप लास्ट तक ज़रूर देखें। इस लुक को क्रिएट करने के लिए जो जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स मैं यूज़ किया है, सारे प्रोडक्ट के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी, आप लोग चेक कर लेना। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, तो वहाँ से फॉलो कर सकते हो। और अगर मेरी वीडियो और ये लुक आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना कि कैसा लगा आपको ये लुक, ये मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, वो सारी चीज़ आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए लुक को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं सबसे पहले मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लूँगी। तो मैं यहाँ पर बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं एलोवेरा जेल यूज़ करूँगी, ये है आनूर का एलोवेरा जेल है, एज़ अ प्राइमर मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। आप लोग भी कोई भी एलोवेरा जेल एज अ प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद मैं मेरे जो डार्क सर्कल्स है उसको हाइड करने के लिए यहाँ पर ऑरेंज करेक्टर यूज़ करूँगी, ये एले गर्ल का ऑरेंज करेक्टर है और बहुत ही फुल कवरेज देता है, और आपको आपका डार्क सर्कल्स बहुत अच्छी तरह से हाइड कर देता है ये। और उसके बाद मैं मेरे नेक पर भी बहुत डार्क सर्कल्स है, इसलिए मैं वहाँ पर भी यूज़ कर लूँगी इसको, और उंगलियों की मदद से पहले डैब डैब करके इसको ब्लेंड कर लूँगी, और उसके बाद एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से भी इसको थोड़ी सी ब्लेंड कर लूँगी। और इसके बाद मैं एक क्राइलॉन का जो सुप्रा में चिन एक डार्क अंडरटोन का एक कंसीलर है, उससे मैं ये जो ऑरेंज कलर करेक्टर है इसको हाइड कर रही हूँ। तो ये कभी कभी हमारा मेकअप जो होता है ऑरेंज करेक्टर की वजह से बहुत ही ऑरेंजिस हो जाता है, तो इसके लिए उसके ऊपर एक डार्क या आपके शेड का थोड़ा नीचे का थोड़ा एक दो टोन नीचे का जो शेड है उससे आप ये ऑरेंज करेक्टर को कवर कर सकते हो, और उसके बाद आप लोग फाउंडेशन को अप्लाई कर सकते हो, इससे मेकअप बहुत ही फ्लॉलेस दिखती है। तो मैं यहाँ पर फिट मी की फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, शेड है 330। तो इसके साथ मैं माइग्लैम के जो लिक्विड हाइलाइटर है उसको फाउंडेशन के साथ दो ड्रॉप मिला लूँगी, और उसको अच्छे से मिक्स करके मैं अप्लाई करूँगी, इससे एक नेचुरल ड्यूई फिनिश लुक मुझे मिलेगा। तो मैं इसे अच्छी तरह से अप्लाई कर लूँगी, और अप्लाई करने के बाद एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। तो इसे अच्छी तरह से ब्लेंड करना है, जितनी अच्छी तरह से ब्लेंड करोगे तो आपकी जो बेस है वो बहुत अच्छी फ्लॉलेस दिखेगी और बहुत ही नेचुरल दिखेगी। तो आपको अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। तो नेक पर भी मैं सेम
जो फाउंडेशन है उसको ब्लेंड कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो मेरा बेस कितना ग्लोई हो गया है। तो इसके बाद मैं एक हाइलाइटर के लिए क्राइलॉन के ही FS29 को यूज़ कर रही हूँ। तो मैं थोड़ी सी ही हाईलाइट कर लूँगी मेरा जो हाईलाइट पॉइंट है नोज़ पे, फोरहेड पे, आईज़ की कॉर्नर पे, ऐसा ही कर लूँगी। और इसको अच्छी तरह से ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से हमें ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद मैं इसको पाउडर से सेट करूँगी। मैं यहाँ पर क्राइलॉन की TL4 पाउडर यूज़ कर रही हूँ। यह एक लूज पाउडर, ट्रांसपेरेंट लूज पाउडर है। आप कोई भी लूज पाउडर या फिर कॉम्पैक्ट से भी आपका जो बेस है उसको अच्छी तरह से सेट कर लीजिए। और जो एक्सेस है उसको मैं अभी रिमूव कर रही हूँ एक ब्रश की मदद से। और इसके बाद मैं स्विस ब्यूटी की जो प्रो हाइलाइटर एंड ब्लश जो पैलेट है उससे एक पीची ब्लश है जो कैमरा पे उतने ज़्यादा नहीं दिख रहा होगा। तो मैं मेरी इस मेकअप को थोड़ी सी ऑरेंजिस लुक देने के लिए एक पीची शेड को एज अ ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। और ब्लश को अप्लाई करने के बाद मैं ब्रॉन्जिंग कर लूँगी। यहाँ पर पोज की जो माइग्लैम की ब्रॉन्ज़र आता है तो उससे मैं ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा एक ब्रॉन्ज़र है और आपको माइग्लैम के साइड पर मिल जाएगा। और नोज़ को भी मैं अच्छी तरह से कॉन्टोर कर लूँगी। और कॉन्टोर करने के बाद यहाँ पर सेम जो पैलेट है उससे मैं हाइलाइटर लेकर हाईलाइट कर लूँगी। ये पैलेट बहुत ही अच्छा एक पैलेट है, इसको आप ट्राई कर सकते हो ज़रूर, और एफोर्डेबल भी है। इसके बाद इनसाइड का एक मेकअप फिक्सर लेकर मैं पूरे बेस को फिक्स कर लूँगी। ये एफोर्डेबल रेंज में बहुत ही अच्छा एक फिक्सर है। और यहाँ पर मैं आई मेकअप को स्टार्ट कर रही हूँ। पैक की जो आईब्रो जेल है उससे मैं आईब्रो को फिल कर रही हूँ। आईब्रो फिल करने का सही टेक्निक मैं अपनी चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप देख चैनल पे जाकर देख सकते हो या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। तो मैंने दोनों आईज़ पे अच्छी तरह से फिल कर लिया है दोनों आईब्रो को। तो अच्छे तरह से फिल करने के बाद मैं सेम जो हाइलाइटिंग कंसीलर थी FS29 उससे मैं आईब्रो को कट कर रही हूँ और एक शेप दे रही हूँ। और आईज़ को भी मैं एक कंसील कर लूँगी और इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं यहाँ पर ब्यूटी ग्लास्ट की जो गॉर्जियस मी आई शेडो पैलेट है उससे एक लाइट जो पाउडर शेड आता है उससे मैं थोड़ी सी ब्लेंड कर रही हूँ सेट करने के लिए कंसीलर को। और इसके बाद एक ब्राउन शेड को लेकर क्रीज पे ब्लेंड कर लूँगी। आपको राउंड एंड राउंड करके ब्लेंड करना है पूरे क्रीज पे अच्छी तरह से। ब्लेंड करने के बाद यहाँ पे एक ऑरेंज शेड है, शिमर शेड है ये एक, इसलिए मैं इसको इनर कॉर्नर से अप्लाई कर लूँगी। धीरे धीरे से हमें उंगलियों की मदद से अप्लाई करना है। आप चाहो तो ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे अपनी उंगली से ही अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद एक ऑरेंज आई शेडो को लेकर मैं आउटर कॉर्नर पे ब्लेंड कर लूँगी अच्छी तरह से। आप जो भी आप इसको जिस कलर का भी आपका आउटफिट है उसके साथ मैच करके कर सकते हो, तो आपका जो आउटफिट है उससे आपका आई मेकअप
बहुत अच्छी तरह से मैच हो जाएगी। और ये आई मेकअप मैं बहुत ही सिंपल रखा है, आप सभी इसको कर सकते हो। ये कोई भी पार्टी लुक में भी ये आप क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद मैं सेम पैलेट से एक हाइलाइटर शेड लेकर इनर कॉर्नर को और मेरा जो ब्राउ बोन है उसको हाईलाइट कर लूँगी। और इसके बाद मैं मेबलिन का जेल लाइनर लेके यहाँ पर एक थिन लाइनर ड्रॉ करूँगी। आप आपके हिसाब से कर सकते हो, आपको अगर थिक आईलाइनर चाहिए थिक विंग लाइनर आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर सिंपल रखने के लिए थिन लाइनर क्रिएट कर रही हूँ। और इसके बाद मैं कलर बार की काजल यूज़ कर रही हूँ। काजल यूज़ करने के बाद लाइन थोड़ा सा हार्स ना लगे इसलिए मैं थोड़ी सी ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंड करने के बाद मैं यहाँ पे एक मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, मेबलिन का कलरसेल मस्कारा। तो ये बहुत अच्छा वॉल्यूम देता है हमारा लैश को। तो नीचे की जो लैश लाइन है वहाँ पर भी यूज़ करना चाहिए। तो उसके बाद मैं यहाँ पे कलर बार का लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ और ये एक न्यूड शेड है। और मेरे पास कोई ऑरेंज शेड नहीं था इसलिए मैं इसको ऑरेंज बनाने के लिए इसके ऊपर थोड़ी सी रेड जो लिपस्टिक है उसको मैंने डैब डैब करके यूज़ कर लिया है। तो ये थोड़ी सी ऑरेंज टोन की लिपस्टिक हो गई है। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को शेयर ज़रूर कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।